आय समक्ष ग्राउंड फोर्स में यूज किए जाने वाले स्मॉल आर्म्स असॉल्ट वेपन्स है। सबसे पहले मैं आपको टैबोर फैमिली से अवगत कराऊंगा। टैबोर फैमिली में पहला वेपन है टार 21, जो कि ग्राउंड स्पेशल फोर्सेस का सबसे प्राइमरी वेपन है। ये एक 5.56 वेपन है जिसमें मैक्रोमॉड रिफ्लेक्स साइट यूज होती है। ये नाइट कैपेबल है और ये दोनों हाथों से और इसको सिंगल आर्म से भी मैं यूज कर सकता हूँ। इसी फैमिली में दूसरा वर्जन है सीटार, इसका छोटा बैरल होता है। ये कॉम्पैक्ट वर्जन है टैबोर का, जो कि CQB में, जो कि क्लोज क्वार्टर बैटल होता है, उसमें यूज किया जाता है। इसकी हैंडलिंग कुछ इस प्रकार होती है। टैबोर फैमिली का तीसरा वेपन है GTAR, इसका पूरा नाम है ग्रेनेड टैबोर असॉल्ट राइफल। इसका बेसिक वेपन टैबोर असॉल्ट राइफल ही है, जिसमें एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दिया गया है UBGL, जो कि ग्रेनेड को लॉक करने के लिए, इनडायरेक्ट फायर करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक एरिया वेपन का काम भी करता है और हमेशा एक ट्रैक, जो कि एक चार ग्रुड्स की टुकड़ी होती है, उसके सबसे प्रथम बंदे के पास ये वेपन होता है। इसके बाद हम टैबोर फैमिली का लास्ट वेपन HTAR पे आएंगे, जो कि सेमी स्नाइपर टैबोर असॉल्ट राइफल है। ये भी एक टैबोर की तरह है, लेकिन इसमें बाइपॉड दिए गए हैं, जो कि किसी भी जगह पर माउंट करने के बाद इसकी रेंज को इन्हांस करते हैं, और ये रेंज इस निमरोड 6X साइट की मदद से एक्स्ट्रा हो जाती है और रेंज इसकी 600 मीटर हो जाती है। इसमें भी जो एम्यूनिशन यूज होता है वो 5.56x45 नाटो राउंड होता है। आफ्टर 5.56 टैबोर असॉल्ट राइफल वील कम टू 7.62 वर्जन ऑफ द वेपन प्रेजेंट विद ग्राउंड फोर्स। वी हैव गॉट AK-47, दिस इज अर्स्टवाइल AK-47, जिसकी मेनली बॉडी आयरन फ्रेम की और वुड की थी, जिसको हमने मॉडिफाई करवाकर इसमें हमने फोर हैंड ग्रिप, फाइबर बट एंड पिकाटिनी रेल को इम्प्रोवाइज कराया है। अब ये वेपन पहले की तरह ही लीथल लेकिन ज्यादा एर्गोनॉमिक हो गया है, जिसमें हम टैक टॉर्च, बेनेट, इन सब चीजों की मदद ले सकते हैं और इसको लंबे समय तक यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये गर्म नहीं होगा फाइबर पार्ट्स होने के कारण। ये 7.62 वर्जन है और ये 400 मीटर किल रेंज इफेक्टिवली हमको देता है। ये न्यूली इंडक्टेड सिख वेपन है 6716i, जो कि USA, मेड इन USA है। इसमें 7.62x51mm का एम्यूनिशन यूज किया जाता है। ये काफी अच्छा लीथल वेपन है, जिसमें हम लोग लॉन्गर रेंजेस अप टू 600 मीटर इफेक्टिवली एंगेज कर सकते हैं। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड वेपन है, जिसमें आयरन साइट है और हम इसको इस प्रकार से एम करते हुए यूज कर सकते हैं। ग्राउंड फोर्स की LMG 5.56 नेगेटिव LMG है। ये वेपन ग्राउंड फोर्स का सबसे खूबसूरत वेपन है, जो कि हमारे ब्रेव अशोक चक्रवर्तीय पोस्टमस कॉपल अशोक निराला ने यूज किया था, जिसकी मदद से उन्होंने वैली में कई सारे टेररिस्ट को मौत की घाट उतारा था। इसमें हम लोग एक ड्रम का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक बार में 150 राउंड तक की बेल्ट यूज की जाती है। ये काफी रगेट वेपन है, जिसमें कोई भी स्टॉपेज की दिक्कत नहीं होती है और कोई भी समस्या इस प्रकार से नहीं है। ये बहुत ही इफेक्टिव वेपन है और इसमें हम लोग लगभग 800 मीटर तक की दूरी को इंगेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इन लाइन इज रिसेंटली प्रोक्योर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड वेपन मेड इन रशिया AK-103। AK-103 मेड इन रशिया है और इसका इम्प्रूव वर्जन इंडिया में बनने वाला है, जो कि AK-203 मॉडल के नाम से जाना जाएगा। इस वेपन में आयरन साइट है, जिसकी मदद से हम लोग 400 मीटर की रेंज तक इफेक्टिवली इंगेज कर सकते हैं। इसका एम्यूनिशन 7.62x39mm है। इसकी हैंडलिंग कुछ इस प्राकार है। ये ग्राउंड फोर्स में यूज की जाने वाली स्नाइपर गली स्नाइपर है, जिसमें हम लोग निमरोड 10X टेलीस्कोपिक साइट का प्रयोग करते हैं और इसमें साइलेंसर भी यूज किया जा सकता है। ये भी 7.62x51 एम्यूनिशन इसका यूज होता है कॉन्फ़िगरेशन का, और इसकी इफेक्टिव रेंज डे में अप टू 1 किलोमीटर है।